देश के कई राज्यों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। वहीं असम में कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इस कारण बाढ़ की हालत ने विकराल रूप ले लिया है। राज्य के 16 जिलों के 704 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी कई इलाकों में घुस चुका है। लोग मानव श्रृंखला बनाकर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ की वजह से सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान हुआ है और विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर कटाव हुआ है और रास्ता बीच से ही अलग हो गया है। बाढ़ से कई हेक्टेयर खेतों की खड़ी फसल डूब गई है। साथ ही अधिकारी कई जगह राहत शिविर और वितरण केंद्र चला रहे हैं, जहां लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा बाढ़ के कारण कई नदियों में जलस्तर भी बढ़ गया है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और राहत बचाव का कार्य करें।